天文台那里。ये वर्लपूल का सेंसर किचन हुड है। इसमें सेंसर ये यूनिक फंक्शन दिया गया है। इसके ऑपरेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, ये कैसे ऑपरेट करना है ये आपको शुरुआत से दिखाते हैं। अभी पहले हम ये किचन हुड ऑन करेंगे। मेन स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन और सेंसर, ये दो आपको ब्लिंक करते दिखाई देंगे। ऑन ऑफ का बटन ये थोड़ी देर के लिए उसमें लाइट लगा रहेगा, और सेंसर का बटन वो लाइट ब्लिंक करता दिखाई देगा। इसका लाइट ब्लिंक करना मतलब ये किचन हुड अभी कैलिब्रेट हो रहा है, और इसको कैलिब्रेट होने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। किचन हुड कैलिब्रेट होते समय आप बस लैंप यही ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी कौन सा भी फंक्शन ऑपरेट नहीं हो पाएगा। अभी आपने देखा ये सेंसर का जो लाइट ब्लिंक हो रहा था वो ब्लिंक होना बंद हो चुका है, मतलब आपका किचन हुड अभी मैन्युअली या ऑटोमेटिकली यूज करने के लिए रेडी है। इसमें आप देख सकते हैं आप मैन्युअली स्पीड ऑपरेट कर सकते हैं। लैंप भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी कैलिब्रेशन एक्टिविटी बस 5 मिनट तक चलती है। हुड शुरू होने के बाद ये वन टाइम एक्टिविटी रहती है, और इसके बाद जब भी आप हुड मेन कनेक्शन से डिसकनेक्ट करेंगे या लाइट चले जाने के कारण बंद पड़ेगा, उसके बाद ही ये फिर से कैलिब्रेट हो जाएगा। इसके अलावा इसको सेल्फ कैलिब्रेट मैन्युअली कैलिब्रेट करने के लिए और एक ऑप्शन है। आपको ये जो सेंसर का बटन है वो लगभग 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करना है। यह आपने देखा अभी ये बटन होल्ड करने के बाद ये फिर से कैलिब्रेशन मोड पे चला गया है। कैलिब्रेशन मोड पे जाने के बाद ये 5 मिनट तक हुड में आप बस लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कुछ ऑपरेट नहीं हो पाएगा। अभी आपने देखा ये किचन हुड मैन्युअली कैसे कैलिब्रेट करना है। अभी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी हम इसको ऑटोमेटिक सेंसर मोड पे डाल देते हैं। उसके लिए आपको ये सेंसर का बटन टच करना रहता है। ये किचन हुड 3 चीज़ों को सेंस करके ऑपरेट होता है, स्मोक, ऑडर और फ्यूम्स। खाना पकाते वक्त जो कुछ भी फ्यूम्स, स्मोक या ऑडर जनरेट होगा उसको सेंस करके उसके हिसाब से इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। इसे आप मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑटोमेटिक इसका ऑपरेशन कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इस किचन हुड को पहले हमने हॉब, नीचे वाला हॉब कौन सा लगाया है ये सेट करना होता है। उसे सेट करने का तरीका ऐसे है, पहले हमें 1 और 2 नंबर का बटन होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें का पहला वाला है गैस हॉब, दूसरा वाला रहता है इलेक्ट्रिक हॉब, और तीसरा वाला रहता है इंडक्शन हॉब। आपके पास नीचे जो कोई हॉब है उसका नंबर आपको सिलेक्ट करना रहता है। इस काम के लिए आपके पास बस 5 सेकंड का वक्त रहता है। ये आप देखिए, अभी हमने नीचे लगाया हुआ हॉब गैस हॉब होने के कारण अभी मैं 1 नंबर सिलेक्ट कर दूंगा। ये हमने 1 और 2 बटन होल्ड किए,
तीनों लाइट चमकने लगी, उसमें का पहला वाला लाइट हमने सिलेक्ट कर दिया, ये लाइट 10 सेकंड तक आपको वैसे ही दिखाई देगा। दस सेकेंड बाद ये लाइट चला जाता है और चले जाने के बाद अभी किचन हुड ने अपने मेमोरी में ये सेट कर लिया है कि नीचे गैस वाला हॉब है। अभी इसका ऑटोमेटिक ऑपरेशन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इस किचन हुड का ऑटोमेटिक सेंसर फंक्शन ऑन कर देते हैं। आपको बस उसे टच करना है। नीचे हमने हॉब चालू कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक मोड पे हमने चिमनी ऑन कर दी है। अभी हमने नीचे पानी उबालने को रखा है, उसकी वजह से ये चिमनी ने सेंस करके, किचन वुड ने सेंस करके ऑटोमेटिक, अभी आप देख सकते हैं किचन वुड हमारा चालू हो चुका है, नीचे पानी गर्म हो रहा है। अभी आप देखेंगे इसका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा जैसे ही पानी गर्म होना चालू हो जाएगा। ये देखिए स्पीड अपने आप बढ़ गया, दूसरे स्पीड से तीसरे स्पीड पे आ गया। ये देखिए ये टर्बो स्पीड पे चला गया, मतलब ये किचन हुड अपने आप हीट को, स्मोक को और ओडर को सेंस करके उसके हिसाब से अपना स्पीड बढ़ाता है। और जैसे ही हम ये हॉब बंद कर देंगे, मतलब इसके नीचे जो कुछ भी खाना पकाना वगैरह बंद कर देंगे, तो वैसे वैसे इसका स्पीड कम भी होता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने नीचे हॉब बंद कर दिया, उसका स्पीड टर्बो से तीसरे स्पीड पे आ चुका है और थोड़ी देर के बाद ये और नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीसरे स्पीड से दूसरे स्पीड पे ऑटोमेटिक आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किचन हुड ऑटोमेटिकली चौथे स्पीड से तीसरे, तीसरे से दूसरे और दूसरे स्पीड से पहले स्पीड पे आ चुका है। जैसे ही इसको हीट या कुछ भी फ्यूम्स या स्मोक मिलना बंद हो जाएगा, वैसे ही ये किचन हुड अपने आप ऑफ हो जाएगा। ये रहा इसका ऑटो मोड। ऑटो मोड पे ये ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ाता है और कम करता है। इसके अलावा अगर आप ये सेंसर ऑफ कर देते हैं, इसको एक बार टच करना है, ये ऑफ हो चुका। ये ऑफ होने के बाद आप इस किचन हुड को मैन्युअली कौन से भी स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये ऑफ करने का बटन, इस किचन हुड को आपको हर दो या तीन महीने में एक बार कैलिब्रेट करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये मैनुअल मोड में
कैलिब्रेट करना होता है, उसके लिए आपको ये सेंसर का बटन बस टच करके होल्ड करना रहता है। ये आप देख सकते हैं, अभी हुड कैलिब्रेशन मोड पे चला गया है, ये लाइट ब्लिंक करने लगी है और अब से 5 मिनट तक ये कैलिब्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा और 5 मिनट बाद ये हुड फिर से यूज़ करने के लिए रेडी रहेगा। इस किचन हुड में आपको एक फंक्शन और दिया गया है, आपको फिल्टर क्लीनिंग का इंडिकेशन इस पर मिलता रहेगा, पर इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जब भी किचन हुड ऑफ कंडीशन में रहेगा, मतलब सेंसर मोड ऑपरेट नहीं है, कौन सा भी स्पीड ऑपरेट नहीं है, उस कंडीशन में आपको ये 4 नंबर हाईएस्ट स्पीड वाला बटन आपको टच करके होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको स्टेडी लाइट दिखेगा, इसका मतलब है आपका वो फंक्शन एक्टिवेट हो चुका है। वो फंक्शन डीएक्टिवेट करने के लिए भी सेम प्रोसीजर रहेगा, अगर आपको वो डीएक्टिवेट करना है तो आपको उसे टच करके होल्ड करना रहता है। होल्ड करने के बाद वो फ्लैश लाइट दिखाएगा और बंद हो जाएगा। फ्लैश लाइट का मतलब है आपने वो फंक्शन डीएक्टिवेट कर दिया है। इस फंक्शन के तहत आपको जब भी किचन हुड आप ऑफ करेंगे उसके बाद में उसके पहले मिनट तक आपको ये वाला फंक्शन ऑन दिखाई देगा। अगर ये स्टेडी लाइट में ऑन दिखाई देगा तो इसका मतलब है आपको आपका बैफल फिल्टर या जो ईडीएस फिल्टर है उसको क्लीन करना है। अगर ये फंक्शन आपको फ्लैशिंग लाइट में दिखाई देगा तो उसका मतलब है आपको आपके हुड के चारकोल फिल्टर्स जो है उसे क्लीन करने हैं। ये फंक्शन उसके लिए दिया गया है।